नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरु मंत्र से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन यानी मानसिक अस्वाद और उससे कैसे बाहर निकलें। आप सब ने सुना होगा ये शब्द डिप्रेशन यानी कि मन की उदासीनता। जब हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, कुछ करना नहीं चाहते हैं, लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं, अकेलापन रहना, और हो सकता है कि हमारा जो खान पान में भी पूरा मन ना लगे, ये सारे सिम्टम्स हमको डिप्रेशन में मिलते हैं। लेकिन जो सबसे चिंताजनक बात है डिप्रेशन के बारे में या मानसिक अवसाद के बारे में, वो ये है कि इस रोग से बहुत सारे लोग सुसाइड यानी कि अपना जीवन से भी हाथ धो देते हैं। और इसीलिए डिप्रेशन कई बार बहुत ही डेंजरस बीमारी भी हो सकती है। तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या है ये मेंटल डिप्रेशन और कैसे हम इससे बाहर निकल सकें। पहली बात तो हमको ये समझना है कि जो ये मानसिक रुग्ण है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, ये कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है ब्रेन की। ब्रेन के अंदर कोई बुनियादी खराबी नहीं है, लेकिन शुरू में एक फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, यानी कि हमारा ब्रेन जिस ढंग से कार्य कर रहा है उससे कार्य प्रणाली में कुछ ना कुछ खराबी होती है। तो वो हम अगर अपना जीवन शैली को बदलें या कुछ अपनी चीज़ों को बदलें तो काफ़ी हद तक हम डिप्रेशन से शुरू में बाहर आ सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये काफ़ी लंबी और पुरानी हो जाती है डिप्रेशन, तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों पर इसका असर पड़ने लगता है। जैसे कि देखा जाता है कि जब डिप्रेशन की शुरुआत होती है तो कुछ केमिकल्स हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोला जाता है, जैसे सीरोटोनिन है, डोपामीन है, नॉन एड्रेनालिन है, एपिनेफ्रिन है, इनका लेवल कम होने लगता है। और जब ये सीरोटोनिन डोपामीन कम होते हैं तो हमारे अंदर जो खुशी की भावना है, आनंद का भाव है, वो काफ़ी कम होने लगता है और मन काफ़ी उदास रहता है। धीरे धीरे ये उदासी हमारी डिप्रेशन में बदल जाती है। अगर ये बीमारी लंबे समय तक चलती है तो हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस, बदलाव भी आने लगते हैं। जैसे तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण लंबे समय में मस्तिष्क के अंदर हिप्पोकैम्पल नाम का जो एरिया है वो सिकुड़ने लगता है। एंटीरियर सिंगुलेट गायरस, ब्रेन स्टेम में भी कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं। स्टेलर न्यूरॉन्स भी हमारे कम कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मस्तिष्क के कुछ हिस्से हैं जिनका कार्य कम हो जाता है या जिनकी वॉल्यूम श्रिंक करते, जिनको हम ब्रेन एट्रॉफी भी बोलते हैं। तो ये बदलाव मस्तिष्क के अंदर आने लगते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम और कैसे पहचाने इसको? देखिए, पहले तो डिप्रेशन को पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको या आपके किसी करीबी को डिप्रेशन या मानसिक अवसाद है और उसको हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं या उससे हम निजात नहीं पा पाते, तो यह बीमारी भीतर ही भीतर बढ़ते बढ़ते आपकी जीवन में एक विष घोल देती है। और कभी भी ऐसे व्यक्ति आत्मघात कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, जो इसका सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए आप डिप्रेशन को लाइटली ना लें। तो जैसा पहले बोला कि सिम्टम्स के अंदर क्या आता है कि ज़्यादातर लोग जिनको डिप्रेशन है वो किसी से बात नहीं करना चाहते, अधिक से अधिक समय अकेला रहना चाहते हैं, उनके अंदर एक हीन भाव आने लगता है कि आई एम नॉट वर्थ एनीथिंग, मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग। तो हीन भावना काफ़ी अधिक होने लगती है उनके अंदर। खाने पीने में भी उनकी रुचि कम होने लग सकती है। कभी कभी ऐसे लोग अधिक भी खाना खा सकते हैं और इससे उनका वजन बढ़ सकता है। बहुत बार डिप्रेशन से निजात पाने के लिए लोग स्मोकिंग और ड्रग्स पर भी जाना शुरू करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि इसको हम सही समय पर पहचानें। और अगर चीज़ें यहाँ नहीं रुकते तो सुसाइडल थॉट्स बार बार हमारे मन में आते हैं और कई बार अगर ठीक से इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी सुसाइड का रूप भी ले सकती है। इसलिए इसको अच्छे से समझकर इसको सही समय पर इस पर कार्य करना ज़रूरी है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है निप इन द बड,
यानी शुरू में ही उसको रोक दें, आगे ना बढ़ने दें। तो जैसे हमने बोला कि डिप्रेशन यानी जो मानसिक उदासीनता है वो शुरू में हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की बदलाव से या कमी से होता है, और इसका गहरा लिंक देखा जाता है हमारे जीवन की ऐसी घटनाएं या दुर्घटनाएं जो हमारे बचपन में या जीवन में हुई जिनसे हमें काफी आघात पहुंचा हो। बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो हमारे लिए बहुत त्रासदायी थी, दुखदायी थी, जिससे हमें बहुत ट्रॉमेटिक फील हुआ, दुख महसूस हुआ, वो घटनाएं हमारे मन के अंदर बहुत गहरी छाप छोड़ जाती हैं, और ऐसी घटनाएं बाद में डिप्रेशन का रूप ले सकती हैं। और इसी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में बड़ा होने के बाद भी अगर कोई बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना घटी जिससे हमारे मन में बहुत ट्रॉमेटिक थॉट्स क्रिएट हुए, फीलिंग्स क्रिएट हुई, या हमारे को बहुत ठेस पहुंची हमारे मन को, तो वो भी डिप्रेशन का रूप ले सकती है। अब एक बात और समझना है, हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बचपन में तैयार होता है। अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता या जो हमसे बड़े लोग हैं, अगर बचपन में बहुत क्रिटिकल हैं, हमेशा हमारी आलोचना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें बोलते रहते हैं, हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं या हमारे साथ प्रेम व्यक्त नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे ये स्वयं आलोचना और हीन भावना हमारे अंदर, जिसको सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव सेल्फ इमेज, हमारा हिस्सा बन जाती है, और बड़े होने के बाद ये एक डिप्रेशन का मुख्य कारण बढ़ती है। ऐसा देखा जाता है जिन लोगों को डिप्रेशन है उनमें सेल्फ थिंकिंग यानी नेगेटिव थॉट्स अबाउट योर ओन सेल्फ बहुत अधिक होते हैं। इसको हम बोलते हैं इनर क्रिटिक, यानी हमारे अंदर ही हमारा आलोचक बैठा हुआ है जो हमेशा हमें बोलता रहता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम वैसा नहीं कर रहे। हर समय वो आवाज हमें परेशान करती रहती है, जिसे बोलते हैं इनर क्रिटिक। तो बचपन से अक्सर हमें ये इनर क्रिटिक हमारे अंदर एक हिस्सा बन जाता है हमारी पर्सनैलिटी का। सो हमने अभी ये डिस्कस किया कि किन कारणों से डिप्रेशन होता है, और ये हमने गहराई से समझा। अब इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इससे निजात कैसे पा सकते हैं, व्हाट इज द वे आउट ऑफ इट, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अलग से बनाया है, उसको आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।